वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन। इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्टेज के हवाले से, मस्ताना साहब के हवाले से, बब्बू बराल के हवाले से। वो लोग तो चले गए, उन्होंने जो अपना रोल प्ले करना था वो तो करके चले गए। अब क्या हो सकता है बेहतरी के लिए? मैं यहाँ पर फाजल साहब से बात कर रहा था। फाजल साहब, 1979 से आप जो हैं स्टेज पर हैं और इस वक्त तकरीबन 30-32 साल जो हो चुके हैं आपको यहाँ पर परफॉर्म करते हुए। अच्छा ड्रामा कैसे कैसे लाएंगे आप? अच्छा ड्रामा हम सब मिलके ला सकते हैं, सही। को एक आदमी नहीं ला सकता। एक आदमी अगर कदम उठाता है तो उसका इस वक्त चेजा हो सकता है, यार पागल हो गया है की करण डे, सही। वो किमें चेंज ले आएगा? हमने की है ये 10-12 रेसलिंग की है। बिजली चमकेगी जिस दिन से वो ओपन हुआ है, एक दिन पहले की अल्लाह मियाँ चमका रहा है, सही चल रहा है। अच्छा ड्रामा है, आए आप देखें, सब देखें। मैं दावत देता हूँ, आपको दावत देता हूँ, आपको 42 को दावत देता हूँ। ड्रामा है, सही। लियास नजम साहब उसके डायरेक्टर हैं, मियाँ पोली उसके राइटर हैं। बकायदा स्क्रिप्ट के मुताबिक, बकायदा रिहर्सल करके, उस जी बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक जो होना चाहिए उसी तरह, जी जी पूरा प्ले हो रहा है वो। और मेरा ख्याल है कि उसमें कोई इतना बड़ा स्टार भी नहीं है, शो भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मेरे पीछे कोई नौजवान बैठे हुए हैं, शाहजेब बैठे हुए हैं, दूसरे बैठे हुए हैं, उनसे शाहजेब क्या कमेंट करते हैं इस सूरत हाल पे आप? देखें जी, अच्छा ड्रामा आ सकता है वापस। बात ये है, मैं ताहिर भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखें जी अगर हम यूनिटी होगी ना हमें, तो प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है कि आपसे कुछ करवाए हो। आप यूनिट सब इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, प्रोड्यूसर ने तो ड्रामा करवाना है, आप सब इकट्ठे हो जाएं, कैसे पॉसिबल है कि जनाब प्रोड्यूसर आपकी बात नहीं मानेगा? बात यह है कि हमें इत्तफाक नहीं है, ग्रुप बने हुए हैं, ये पहले बात हुई, बकायदा ग्रुप बने हुए हैं, और बल्कि प्रोड्यूसर्स के ग्रुप हैं, प्रोड्यूसर्स के ग्रुप हैं, तो ये ग्रुप खत्म हो सकते हैं एक ही सूरत में कि हम सब मुत्तहिद हो जाएं। देखिए, एक बंदे को ड्रामा मिल रहा हो, उसको काम मिल रहा हो, वो कैसे छोड़ेगा उसको? क्या कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, देखें अभी जैसे सोचना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए, आपने कहा जब काम इतना अच्छा जा रहा है तो फिर गवर्नमेंट क्यों इस बिल्कुल ध्यान रखे? आप मुझे एक बात बताएं कि सरकारी इदारा जो है कोई भी, वो करोड़ों रुपए की करप्शन करती है, तो जब वो रिटायर होता है तो उनको ये चाहिए ना कि भाई इन्हें बड़े पैसे कमा ले, असली यदि पेंशन नहीं लानी, उसकी पेंशन क्यों लगती? अच्छा, गवर्नमेंट की पेंशन कट रही होती है उसकी तनख्वाह से। सेकंड, ये ड्रामे में, एक ड्रामे में तकरीबन 50-60 लोग इन्वॉल्व होते हैं एक थिएटर में जी, तो उसमें पैसे जो हैं वो 5-6 लोग ही लेके जा रहे होते हैं, बाकी नॉर्मली होते हैं सब, उनकी वेलफेयर के लिए चाहिए, उन 2-4 लोगों को तो यहाँ आते भी नहीं। असगर राव एडवोकेट साहब पीछे मौजूद है। असगर साहब, आप कुछ मेरे ख्याल एनजीओ चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं फनकारों की भलाई के लिए। नजीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया, और इस प्रोग्राम में जो बब्बू बराल साहब और मस्ताना साहब के हवाले से हम बातें कर रहे हैं वो काफ़ी तकलीफ दें हैं, लेकिन मैं इस ताज़ियती प्रोग्राम में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि आज उन तक ही फोकस रखा जाए और एक दुआ जो है उनके लिए की जाए, और बाकी जो क्रिटिसिज्म है उसके लिए फिर कोई वक्त जो है मुकर्रर किया जाए, क्योंकि आज हम बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, और ये तमाम बातें जो हैं बाद में भी की जा सकती हैं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। शौकी नहीं, नहीं कोई। मस्ताना साहब, बब्बू साहब, ये साढ़े एक टीचर उस्ताद बड़े ला लो, जिस तरह साढ़े काम का बंदा कहते नहीं कि किला है, शाही किला है, इंडिया का किला है, साढ़े काम के किले हुए ने लोग, और सारी जिंदगी असी जो आए सर तो इन्होंने देख के आए सर, बब्बू साहब, शौकी खान साहब, मस्ताना साहब, आबद खान साहब, अलवेला साहब, ये बकायदा तुम इन्होंने अकैडमिया कह सकते, है ही अकैडमिया सन। मैं सिर्फ इनकी रिक्वेस्ट कराँगा कि एक बंदा थाने SHO लगा हों, पूरा थाने के थले ही होंगे उस टाइम, तो जो वो वर्दी ला के घर चले जाता, अगर उन्होंने कुछ दे नहीं सकते उन्होंने सलाम तो करो घर जाके, क्योंकि एक तिंका भी जो बंदा डुब रहा उन्होंने तिंके का भी बड़ा असर आता है। तो जिन्ने भी वड्डे ने, मौला अली सरकार का फरमान है कि जिन्हें एक लफ्ज़ दसिया उस्ताद, तो तुम हज़ार लफ्ज़ सीखे भी सलाम कर नहीं जा रहे या खड़े होकर नहीं तुम मिलते। प्लीज़, जिदा जो हक है वह हक अदा होना चाहिए। सीनियर जिन्ने भी ने साढ़े नो तो सारे सीनियर ने, शायद खान साहब ने पहले एक गल की है कि अमानुल्ला साहब जो जुगत का थिएटर है वह अमानुल्ला खान साहब का। चलो, बब्बू साहब तो चले गए, मस्ताना साहब भी चले गए, आबद खान साहब, शौकी खान साहब, अलवेला साहब, हूँ अभी यह सोचिए कि असं अमान साहब वास्ते की कर रहे हैं, वो साडे मुहताज नहीं है, साडे ते नहीं बैठे। जिन्हें भी एक्टर काम कर रहे हैं उस सारे नालों अज भी PR उन्हां दी ज़्यादा रहनी है, स्टेज नहीं भी होएगा तो अमान साहब वड्डे निकलणगे, तो कम से कम जिहड़े वड्डे ने उन्होंने उठ के सलाम करना चाहिए, उन्होंने घर जाके मिलना चाहिए, प्यार करना चाहिए। इस तों अलावा असीं हले कुछ कह नहीं सकते, साडा अपना स्टार्ट है।
गवर्नमेंट पंजाब को चाहिए कि आर्टिस्टों की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट का भी हक बनता है कि जो आर्टिस्ट अभी ये जो जिंदा आपको नजर आ रहे हैं, जो आप अनकरीब इनकी मौत का मैसेज भी किसी टीवी स्क्रीन पे दे रहे होंगे, मैं गवर्नमेंट पंजाब को ये चाहता हूँ कि सहाफी कलोनी अगर बन सकती है तो आर्टिस्ट कलोनी क्यों नहीं बन सकती, ठीक है। और ये 16 शो होते हैं हमारे ड्रामे के, 16 शो, पहले 15 होते थे, एक शो आर्टिस्टों की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट पंजाब ने जो है 16वां शो जो है वो रखा था, और वो 16वां शो भी जो है वो प्रोड्यूसर ही कर रहे हैं, कमर्शियल हो गया वो भी कमर्शियल आर्टिस्टों की वेलफेयर के लिए। और यकीन करें कि गवर्नमेंट पंजाब को ये चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब को कि मेहरबानी करें हम आर्टिस्टों पे, और अगर लेडीज़ की मखसूस नशिस्तें गवर्नमेंट पंजाब में हो सकती हैं ना, तो आर्टिस्ट ने इतनी खिदमत दी है, इतनी खिदमत की है, गवर्नमेंट पंजाब असेंबली में एक सीट मखसूस किसी आर्टिस्ट की भी होनी चाहिए जो हमारी आवाज़ असेंबली में पहुँचा सके। अगर वो भी नहीं उन्हें मंजूर कि कोई आर्टिस्ट पंजाब असेंबली का मेम्बर बने, तो खुदा का वास्ता है कल्चर मिनिस्टर किसी ऐसे शख्स को बनाए जो कम से कम हमारे मसाइल को जानता हो। मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की बात करना चाहूँगा कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब कम वक्त में थिएटर में आए और उन्होंने काफ़ी कम अरसे में आर्टिस्टों के मसाइल को पिक किया, और थिएटर में ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने बड़ा अच्छा जो है ना डेवलप, लेकिन इस माफिया ने ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को भी इस थिएटर से भगा दिया। ख्वाजा साहब फनकार हैं? ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब फनकार नहीं है, गवर्नमेंट पंजाब के मेंबर हैं, लेकिन सीएम साहब ने फनकार नवाज। आप यकीन कीजिएगा कि ये जितनी भी सफाई हुई है उनके दौर में हुई है। अच्छा, मैंने इस दौर में खुद प्ले किए हैं, ड्रामा लेने की कोशिश की, 17 लाख रुपया मैंने लॉस किया है ड्रामे की बेटरमेंट में, क्योंकि इधर से कमाए थे, इधर ही लगाए हमने, ठीक है, सही, मुझे कोई दुख नहीं है। 6-7 प्ले मैंने किए हैं, अमान साहब की बात कर रहा हूँ कि अमान साहब घर में बैठे थे, मैं उन्हें लेके आया, ड्रामा था मेरा नाच थिएटर में पांडे खड़कंगे। आप यकीन कीजिए कि अमान साहब ने SHO का ऐसा रोल किया कि पब्लिक तो जो हंस रही थी ठीक है, थिएटर पे जो साथ काम कर रहे थे उनकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। फ्लॉप हम खुद करते हैं, वो मैंने स्टार्ट में भी यही बात की है, बार बार ये कर रहा हूँ, गेटअप चेंज होने वाला है हमारा, थिएटर ठीक है, सब कुछ ठीक है, ओके है, हमारे बड़े हैं, हमारा बाप कोई नहीं है थिएटर पे, बाप कोई नहीं हमारा। कल्चर मिनिस्ट्री का कलमदान, कल्चर मिनिस्टर का कलमदान अभी तक नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया सर सिटी 42 का कि उन्होंने हमारे उस्तादों को याद रखा। सिटी 42 को ये सर बहुत बहुत उनका यानी कि शुक्रिया है कि उन्होंने हमें भी मौका दिया जूनियर फनकारों को। मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने बब्बू साहब को एक दफ़ा कहा, मैंने कहा जी मैंने आपका शागिर्द होना है सर, तो आप मेरे उस्ताद बन जाए। आगे से उन्होंने मुझे कहा जी कि उस्ताद आदमी मान ले, उस्ताद कहे ना वो फनकार होता है जो उस्ताद मान ले। फिर हमने उनको दिल से उस्ताद मान लिया, मस्ताना साहब को, बब्बू साहब को, वो हमारे सर की छत थे, अब हमारी वो छत हमसे छीन गई है। अब हम थिएटर में जो भी कर रहे हैं, पहले भी जो करते रहे थे उनको देख के कर रहे थे, अब नेक्स्ट जो भी करेंगे, बस जो भी होगा, बस अल्लाह बेहतर करे बस थिएटर का, बहुत अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करेगा जी। सजा आप सिंगर भी हैं माशाल्लाह। रहमानिर्रहीम, तो मेरा शोभा तो चूँकि सिंगिंग है नजम भाई, तो मैं बब्बू साहब के लिए और मस्ताना साहब जी के लिए यही कहूँगा कि ऐसे लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं। सही, तो बब्बू जी साहब ने जो भी रोल किया वो कमाल किया। अगर फिल्म के लिए काम किया वो अपने काम के एक आदमी है, टेलीविज़न के लिए काम किया कमाल किया, और स्टेज के तो वो बादशाह थे, और जितने अच्छे वो एक्टर थे, और शायद ये कम लोगों को पता है कि वो उतने ही अच्छे सिंगर भी थे, जिसको आप कह सकते हैं ना कि वर्सटाइल आर्टिस्ट वो बब्बू साहब थे। और मस्ताना साहब भी अपने काम के एक आदमी, तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मुझे थोड़ी सी बातें भी थोड़ी सी याद करनी है थोड़ा सा उनके हवाले से, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड भी करेंगे और कुछ मस्ताना और बब्बू बराल को मजीद खराज अकीदत पेश करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।